हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट। सबसे पहले नीरव भाई, आपका जब गाना वायरल हुआ 5 किलो राशन का, उस पे क्या रहस्य है और इसके पहले आपने क्या क्या काम किया था? इससे पहले बताकर तो बताओ। बड़का भैया कि कक्षा 5 में जब पढ़ाई करते रहे कि तब से हमारे पिताजी रहे, हम 3 भाई 2 बहन। तो एक हमारे बड़का भैया हमसे बड़े हुए, तब हमारा नंबर हो, तब हमारे छोट भाई हुए और दोनों बहन हमारे छोट रहे। लेकिन पिताजी हमारे जो हुए 2015 में गुजर गए और स्थिति बहुत ख़राब थी बड़का भाई, और कमैया एक खवैया 5। तो भैया जो है पढ़ाई में जो है धीरे धीरे मान ला कक्षा 7 तक पढ़े और तब एक कजरी उजरी गांव में, मतलब पहले के बूढ़े कजरी गावत थे, कजरी खूब चले। तो वो कजरी हुई भाई हुआ तो इतना हमें मतलब इस सरस्वती माई के देन हो कि कौनो चीज़ हम सुनी एक चक्कर दो चक्कर तो तीसरे चक्कर ओके गाना हम गाई के सुनाई और हमारे मुखार बिंद से इतना बढ़िया वो गाना हो जाए कि लोग हमें 2 दहियाँ 3 दहियाँ वह गवा। कई बार सुनी चाहे। हाँ, तो बड़का भैया जो है एक हमारा दोस्त राहुल है हमारे गांव का, तो वो ट्रैक्टर चलावत रहा, पढ़ाई हमारे संगे वो करता, वो ट्रैक्टर सीखे रहे। लेकिन वो कहे कि भैया हमारे संगे चला ट्रैक्टर, चल तुम सिखाई दे। तो हमें ट्रैक्टर सिखाए न कैसे भरवा कि 3 महीना लगातार हमारे गाँव में जो है एक गढ़ा हो, उस गढ़ा में से माटी उठे तो 4-5 आदमी करे रहे हैं, तो वही में एक हम शामिल कर दी। अच्छा, माटी ट्रैक्टरे पे ला दी भैया, कबो 100, कबो 150, कबो 50 है, कबो 70 रुपया ऐसे मिले। तो एक हफ्ता तक यही किया करे, बाद फिर जब निकाले लगे गाड़ी तो हमें जो कहें गाड़ी चलावा, तो गाड़ी चलाई। लेकिन हमारे जो हुए मन नहीं लागे, मतलब जैसे बताओ हम बिसर जाए, कहते गाड़ी बंद हो जाए, कहते हाँ जब सिखाए रहे नदी में उली आई ली, हमें एक पड़ाका मार दिए हमारे मुड़े में, हमारा मूड खराब हो गया, हमको दत्त अब गाड़ी साड़ी ना चलाओ। तीसरे दिन अब फिर आई हमारे गोड़े गिरे लगा कि नहीं चाहे चल तुम्हें तो गाड़ी चलाए सिखाए। लेकिन आज वह आदमी हमारे भगवान हुई है। हाँ, सिखाए दिए भाई। 3 महीना लगातार ओकर संगे रहे बड़का भैया, तब एक गाँव में गाड़ी ट्रैक्टर मिल गया, तो वही हमारा भाई जो है ट्रैक्टर बता दिया कि भैया वहीं चलावा, तो 2000 महीना पे भैया वहीं चलावे चालू किया। कई साल पहले की बात हो? ये भैया 2013 हो रहा है हेर फेर। अच्छा, 10 साल। 10 साल लगभग। तो ऐसे ऐसे भैया अपन स्थिति चलत बा, हम भट्टा पे ईंटा भी पथाई करे है भाई, ऐसा ऐसे स्थिति रहे। समय भाई जब खराब हो जाता, गार्जियन जब ना रहते समय तो दिक्कत हो। हाँ नहीं, ऐसा स्थिति ऐसा क्यों बन गया कि आखिर आप मजबूर होकर ईंट के भट्टे पे काम करने लगे? जब कोई खाने के लिए परिस्थिति या पेट सबसे चंडाल होता है, कोई परिस्थिति जब डाउन होती है किसी की हो, कमाली किसी की भी डाउन हो, तो वो पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। ए भैया गनवा में तू ना सुने हुए कि काहे की अब कुल करावै पेटवा, हे बाबूजी कुल करावै पेटवा, आ सारी दुनिया के नचावै कुल करावै पेटवा, तो बम्बई कलकत्ता घुमावै कुल करावै पेटवा, घर दुआरावै त छोड़ावै कुल करावै पेटवा। ए बाबूजी पेट न होए तो केहू से भेंट न होए। आज आजाद भैया आपके लगे आए पेटवे खातिर बड़का भैया ने, उन्हें तो हमू ठाट से देखा था रजाई बिछाई के सोई बड़का भाई गर्मी में। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं और लोगों को संगीत के माध्यम से मतलब उनको उत्साह भी भरे रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर पे भी गाना गाने लगते हैं, ऐसा क्यों आप करते हैं? ऐसा है बड़का भैया, हम तो चलत रहते गाना इसे बनावत रहे थे गावत रहे थे, तो कितना हमारे दोस्त यार बहन हमारे भौजाई लोग बहन, हे नीरव भैया हे भैया तुम्हारे तो मुँह बड़ा बढ़िया आवत है, का के गाय दे मोर भैया रे, मोर भैया रे गोड़वा गिरे लागत थी बड़का भैया। लेकिन का करब, हम कहे तो केकर दिल तोरी हम मैडम जी, सबके जाना आत्मा के ये होता है कि सब खुशी रहे तो ना खुशी रहे। हाँ सही बात,
आप गीत के माध्यम से लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब से आपका वीडियो वायरल हुआ है 5 किलो राशन चुनाव के टाइम पर, लेकिन देखा जा रहा है कि आप आए दिन हर न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं। हाँ। कोई संगीत के माध्यम से बताए कुछ, कोई गुनगुनाए कोई? अच्छा तो आजाद भाई, गाना तो हम 8-10 साल से 12 साल से गावत है। आप गीत के माध्यम से लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, लेकिन जब से आपका वीडियो वायरल हुआ है आपके यहाँ तमाम न्यूज चैनल, तमाम ब्लॉगर, तमाम यूट्यूब चैनल वाले जाते हैं, नहीं देखा जा रहा है लोग आते हैं वीडियो लेके जाते हैं, लेकिन कभी आपको कोई सहयोग करता है कि नहीं करता है? सहायता ग्रुप, हमारा सवाल है सहायता ग्रुप में। सही बात है, बिल्कुल सही बताइए। तू बड़का भैया हो, अब का कही, कहे कहवा कोनो फायदा नहीं बा। भैया लोग आवत बहन, आज के जमाना उबा का अपन काम बनता, भाड़ में गई जनता। लेकिन बड़का भैया हमारे कहा मतलब ये बात है कि जे केहू आवत बड़का भाई, केहू का आत्मा हम तो उड़ित नहीं जाना, और जो करे बात है हमें आपके तो हमें कर ही बा। और दूसरी बात यही बात है कि लोग ये भैया फिर आपसे मिलेंगे गए फिर कहा? हाँ काम भय तब का करे, तू आ हुआ था नहीं रहू भैया। अच्छा यहाँ तमाम माताएं बहनें बैठी हैं और हमारी चाची भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऐसा गीत गुनगुना दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ आज भी बिरहा जिंदा है। अच्छा बिरहा, लेकिन देखा हमार कहा मतलब ये भाई कि गाना हम वह गावे चाहे थे कि जोने माई बहनी ये सब सुन सकें। हाँ गवैया तो बहुत बहुत बहन बाबूजी, हाँ क्यों कैसे गावत का गावत बाजे, आज के लोग कहते नहीं पसंद करते हैं। बड़का भैया पसंद करते हैं ठीक हो, लेकिन यार सुनत बहन दो आदमी सुने वाले हैं तो चाटे ओके बुराई करे वाले, तो ऐसा गाना गावे कि जौने भैया पब्लिक में चले। तो हम कही तो पहले के जमाना कुछ रहल, अब के जमाना कुछ हो गए। सही बात। तो एक नाते हम बताई थे कि देखा पहले का बुढ़िया माई देखा कुल बैठी है और वही गाना हम गावत है, अब खुद समझिए कि देखा नीरव भैया सही कहन कि गलत कहन। नहीं आप तो गाना अश्लील जर सुनाई गौते हैं, आप गाना पूरा परिवार सुन सका था, हम काफी गाना सुन चुका है, बहुत लोग ऐसा हमारे आस पास गवैया देखा थे ऐसा गाय देते हैं कि तुरंत बंद करे पड़े मोबाइल परिवार देखत बा। देखिए आपको अंतर ऐसा खूबी ना गावे आप। तो यही कुल बात बा बड़का भैया की, देखा एक गीत इससे बा तो एक दिन के बाद अब बूढ़ा मावा अपना पतोहू से कहलिन, अब कहत कहानी है भैया, लेकिन हम कहला कि पहले के जमाना कुछ रहल, अब के जमाना कुछ बाबूजी। तो पहले का रहली न बुढ़िया माई उनके आवे नाई, पहले के रहली न बुढ़िया माई उनका आवे ना उन्हाई, रतिया जाता पिसलिन घाटे ना पिसानवाना, रतिया जाता पिसलिन घाटे ना पिसानवाना। लेकिन अब के जो मैंने आए हैं ये गुरु जी सुनत हुआ तब कई नारी का माजोर मिल इन मुँह का सहजोर। वाह भाई वाह। तो अब कई नारी का माजोर मिललिन मुँह कैसा हजोर, झगड़ा कैलिन दिन भर सह पारै न कमावाना, झगड़ा कैलिन दिन भर सपर न कमावाना। तो पहले के रहल एना बूढ़ा ऊ दादा उनके ताकत के तनी ज्यादा, का दादाजी जब महुआ कटत रहा जुनहरी के था रोटी कटत रही और दूधे मिलाई के तब के दम कुछ रहा कि अब यूरिया डाई पोटास कुल कई देले बा। तो पहले करा है ना बूढ़ा ऊ दादा उनके ताकत के तनी ज्यादा, नार मोट खींचे बानी के कछाना, नार मोट खींचे बानी के कछाना। लेकिन अब कहे भैया आजाद भैया सुना, तो अब का लड़का खा लेन अच्छा काम कैले न जैसे बच्चा, डॉक्टर वाले से कहते हैं भैया 10 रुपया हमसे और ले एडवांस, लेकिन दोनों ओरी से कोनो मार देब तो कुदार न लगा। तो अब का लड़का खा लेन अच्छा काम कैले न जैसे बच्चा, नहीं खानी पायन खेत वही का कोनावाना, नहीं खानी पावन खेत वह का कोनावाना।
प्रणाम। लेकिन ये बाबूजी पहले के कि बुढ़िया माई रहन कि केहू के देखा बराही बीत जात रहल हाँ महीनन बीत जाए लेकिन केहू पता ना पावे भैया। लेकिन कहल गईल बा तो पहले के रहिन बुढ़िया माई कब खाइन ना दवाई। तो पहले के रहिन बुढ़िया माई कब खाइन ना दवाई लाल जाना माइन अपने भवनवाना लाल जाना माई अपने भवनवाना। लेकिन कल युगवा लगल बा अब के बात बा अब कई नारी में ना दाम लैका ना केहू से का कि अब के नारी में ना दाम लैका ना केहू से काम हो जालीन कहरत कहीं बेचारी अस्पताल जाली कहरत कहीं बेचारी अस्पताल आई ना। पहले वाली ना कह रे रानी अरे भाई रे देखो इनसे रही ना आई तो बिना कहे। बीच में एक आपने इंटरव्यू आपका चल रहा था जब हमारे कार्यालय में आप आए थे तो एक बड़ा बढ़िया गाना गाए थे कि मेघा टर्टर कुछ ऐसा पहना वाला गाना था क्या था थोड़ा हमारी जो माताएं बहनें हैं सुना दीजिए। बड़ा अच्छा था बोल उसका और बिरहा के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन आप बड़ा अच्छा ही गाते जरा गा दीजिए। अच्छा बड़का भैया अब तुम्हें वो ख्याल धरा ही बा और कहरा अच्छे अच्छे गाना सुनवाएंगे। तो भैया आजाद भैया हम ये बतिया तुम्हें बताए रहे कि जब हम अपना नदी किनारे पहुँचे बसोही के तीरे तो देखे ओमे कई उठे मछरी जो घाम लागत बस फड़फड़ाई लागत थी पानी कम हो जाता मछरी उछड़ ही ला गई। तब वो मछरी देखे बड़का भैया तो हमें वो धुन याद आई है और उस धुन में हम गाना बड़का भैया देखा वो दिन सुनाए रहे फिर आपके सुनावत है। तो कहल गई बा कि मेघा तबला बजावई बड़ा ढंग से हो मेघा तबला बजावे बड़ा ढंग से हो मेघा तबला ईसौरी नाचई टेंगना गावई ईसौरी नाचई हो भौजी हाय हाय अरे ईसौरी नाचई ई टेंगना गावई अरे पहिना उछई करके तलिया बजावई मेघा तबला मेघा तबला बजावई बड़ा ढंग से हो मेघा तबला मेघा तबला बजावे बड़ा ढंग से हो मेघा तबला। उसके बीच में आपने एक चुनाव के टाइम में एक गाना गाए थे बड़ा ही अच्छा गाना गाए थे योगी जी के खिलाफ लेकिन आपने कहा कि वो तो गाने का एक इंटरटेनमेंट करने के लिए लेकिन वो गाना क्या था 5 किलो वाला जरा एक बार हमारी माताएं और बहनें को सुना दी। हमें लगता है खिलाफ नहीं था बल्कि हकीकत है मनोरंजन के लिए लेकिन कहना वो सही भाव चाहते थे। ए भैया कहा वह हाल बा की टिंकू जी यारे टिंकू जी यार सवेरे का मंजन दोपहरे की हाँ जब गाना गाय दे तब पेश कर दे तब ताजा बना बा तो बड़का भैया वो कहे के बात हुए बा तो ऐसा बतिए आई रहा हम तो बताए ना बड़का भाई आपने में तो हम परेशान है दूसरे तो क्यों परेशान भाई एक नाते बड़का भैया गनवा हमार समझे वाले समझी ही सब थोड़ो समझे मान सक ना तो एक खातिर बड़का भैया वो तो चुनाव का मुद्दा रहा वो निकल गया रहा वो गाना बड़ा टाप जम गया बड़का भाई इतने मान लग कुर्सी है वो तो तख्ता बजाए के गाय रहे बड़का भाई ये पगड़िया बांध के जम रहा भाई एकदम जम रहा और सही संजोग आजाद भाई एकदम ऐसे पगड़ी हमार रही और मतलब थाली शर्ट पहने है वो सम्मत जानला खाली वह इनर पहने रहे लेकिन हाँ फिर बड़का भैया की जे चिन्ह तो कहा भैया इतने यार हम आदमी के जानी थे यार ये कजरी गाए हुए इनके हम देखे है लेकिन वो धीरे 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 बड़का भैया मीडिया वाले भैया लोग आवे लगे और वहीं में अपन हम नंबर वो बोल दिया कि सीसी बोतल चकना चूर त निरहुआ के घर बाबूजी पलटूपुर वाह भाई वाह वाह। और यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर बड़का भैया जोन कहा थे बार बार भैया कि आवा हो यही भेंट हो ऐसे जाना था ना कि दोपहर के बेला बाटे लेकिन कहल गई बा कहीं भी जा था अब पेट्रोल का भाव तो देखते ही होगा भैया आसमान छुआ था आसमान छुअत बा तो कहल गई बा
अरे अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान भला इतना गुमान भला इतना गुमान। अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान भला इतना गुमान। 5 कुंटल हे बाबू 5 कुंटल साढ़ चार जनता परेशान योगी बाबा। योगी बाबा को ना मुद्दई पे लड़बा चुना योगी बाबा। योगी बाबा को ना मुद्दा पे लड़बा चुना योगी बाबा। जैसा ना कैला वैसा पाई जही बा जनता के चूस के आघाई गई ला हो योगी बाबा। ए भैया हमारे ऊपर बुलडोजर ने चलाओ चालू कर दे। योगी बाबा को ना मुद्दा पे लड़बा चुना योगी बाबा। आजकल देखा जा रहा है जो योगी के खिलाफ गाना गा रहा है कुछ है उसके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है, ऐसा आपके ऊपर ना हो जाए। अरे मोर भैया तोरे रात में ऐसा हो गया था मेरा ही आओ तोरे हो जान लिया घर बन रहा है इसीलिए इसीलिए बनवाया। पहले की जिंदगी में अब की जिंदगी में कितना अंतर है? ये बड़का भैया हो बहुत से अंतर बा। कहल गई बा कि जैसे जैसे दिन बीता जाता बा वैसे वैसे हर चीज़ के भैया प्रभाव पड़ा जात बा, हर चीज़ बदल जात बा। पहले बड़का भैया यूरिया डाई पोटास ना चलत रहल, कितना बंजर ऐसे छूटा रह जात रहल, लेकिन वही बंजर में जैसे मत भैया धुआंधार चला बे जैसे कहल बा अगर हम हो जाए तो प्रधान। ए बाबूजी आज के जमाना बतावा था कि अगर हम हो जाइब प्रधान, 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 गांव का जतना अंजर बंजर कुल हम ही जोतवाई। सुना था गांव का जतना अंजर बंजर कुल हम ही जोतवाई। अब पहले या साढ़ बरस भयवा उम्मे लगाई तो सांडा धान, अगर जो हो जाए तो प्रधान, अगर हम बन जाए तो प्रधान, अगर हम बन जाए प्रधान। तो बड़का भाई गया हो सब अपन देखे वाले हैं। आपसे मेरा सवाल है जैसे अभी आप पॉपुलर हुए हैं लोग आपके यहाँ आते हैं, ये पॉपुलर होने का राज आप किसको मतलब अपने से बधाई देना चाहते हैं? आपके गुरु जी क्या नाम है, किसके माध्यम से आप कजरी और बिरहा गाना चालू किए हैं? देखा बड़का भैया के बिरहा के लेखक हमारे गुरुजी पलटूपुर के मठोरी यादव पतिराम हमारे बड़का भैया और उनकर गुरु भाई कहियो जने हुए सब जने का हमें मतलब सहमत मिले बड़का भैया सब जने हमें कहते कि राजा राम के अखाड़े से गाना गावत हुए तो एनाही के अखाड़े से तू गाना गावे। लेकिन कजरी जब से बड़का भैया हम गावे लगे लोग कहें कि भैया तुहरे मुँह से बिरहा बड़ा बढ़िया लागत है और कजरी में तू तो जाए के टोन मारा था दूसरे दूसरे कहे में, तो एक काम करता तू कजरिए गावे चालू करता तो बढ़िया करता। तो हमारे देखा गुरु जी राजेश ये हमारे गद्दोपुर के धरती से ये हमें कजरी लिख दे लगे। अच्छा अच्छा तब एक कजरी लिखे दे लगे बड़का भैया तो कजरियो ये साल से हम स्टार्ट कर दिया कजरियो डाले है नेट पे भैया हमार चलत बाटे। चैनल नामो बता दिया अपन आपके चैनल का क्या नाम? अच्छा हमारा चैनल का नाम है बड़का भैया कि निरहुआ पलटूपुर वाला भाई बा। अच्छा आपका अभी बीच में एक मैं जानकारी लिया कि आपने एक मोबाइल खरीदा है, मोबाइल सही नहीं है क्या? हाँ बड़का भैया उतने मोबाइल में हम जटाए गए बताओ था छोटकी के आगे बड़की के हम हाल का जानी, लेकिन जे हमारे एकदम खास आदमी वो कहें चला हम तुम्हें तो मोबाइल दिलावा थे उसे मोबाइल चलाए वाले रहें। अब वो गैन बड़का भैया कहते नहीं है नंबर एक बा कौन कंपनी है अब हम यू ना बता सके कौन कंपनी है वो हाँ टिकनो बताया पहले बताया था कि हम चलेंगे तब कही तो भाई नाद बात सबके टोए तब उखी खेते सर पद बोल वाह भाई वाह। अच्छा नीरव भाई गलत कहे तो दिया 150,000 भैया हम गलत ना कहे ना 150 ले। अच्छा नीरव भाई अभी नए जमाने की जो आ रही हैं नई नई बहू आ रही हैं तो किस मॉडल की आ रहे हैं जोड़ा एक थोड़ा? अरे राम रे कहा जिनकी कहता हूँ वही है सड़क पे ए बाबू लखत हुई कत हुई है सड़क पे लखत हुई है कि कत हुई है सड़क पे
सखी रे हई लखती हुई है गले गले डाली के रुमलिया हंसत हुई गले डाली के रुमलिया हंसत हुई है। आजकल कुल करावा था मोबाइल ये भैया हो। अच्छा नीलो भैया, आजकल हम देखा थे लव मैरिज बहुत तेज चला तो। अरे भैया वो 501 रुपीज होकर बतिया जिन कर ओकरे बारे में कुछ संगीत के माध्यम से। अरे बड़का भैया बहुत बहुत बा, ऐसा कोनो बात नहीं बा, लेकिन जाना था हुआ ना कि मोबाइल बड़े अच्छा चीज है मैडम जी। अच्छा और बहुत खराब चीज है ये जान ली है। एक नाते हम अपन मोबाइल अपने एक को घरे नहीं देती है जान ले दोनों ले भाई। अच्छा अपने मालकिन के नहीं देता मोबाइल? नहीं। अरे राम राम, दाबे के बटन तो दाब दे लाख हो गया, लाख तोरवा में जाए दे 200 रुपया कहाँ दे भाई। आपका जब वीडियो वायरल हुआ था कुछ पत्रकार बंधु आपके वाइफ से बात कर रहे थे, निरहू वायरल हो गए। हाँ। तो आपकी औरत कहने लगे अरे निरहू कहाँ चला जाएगी तो, अरे बाप रे डायरेक्ट कह दे रहा बोलने वाले जो के खेती की जल्दी करती है लड़का। आ बताओ उनके इनाई समझ में आवा था कि हम कतौ जात है भूला भटका संजा के आई गए। हां तो हमने जब निकलम ना तो दो पैसा कहां से आए भैया। सही बात भाई, जाय पर भी करे तब। अच्छा बकरी उकड़ी आप जी आए हैं? अरे बड़का भैया बकरी जी आए है, एक खांसी बाट है। देखिए बकरी संगीत हो जाए एक गाय बाटे बड़का भाई है, 3 रखे है और एक मेहरारू बहन दो थे लड़के अच्छे लड़के चरावा लगे। आजकल चरावा लगे देखा संजय सवेरे मान ला हमें टाइम रात चराई ले दे और नहीं तो हमारे मलकिन भाई जो लड़कियन से छुड़वा देते हैं। हाँ आजकल भाई सोच बहुत चोरी हो तो बकरी बुड़ी। हाँ यो बात सही के नहीं बड़का भैया ये तो ना करे है, दुए चीज से हम बचाए भैया तब आज नैया भगवान हमारा पार कर था ये जान ले। अच्छा एक दिनेश लाल यादव जी को आप गुरु मानते हैं? हाँ। लेकिन एक बकरी वाला गाना गा दी लेते दुई बकरी कैसा था उस पे थोड़ा हो जाए। सही कह ले सही कह, वही गनवा पे बा बड़का भैया जैसे गनवा निकला रहा अरे कहाँ छोड़ी देता निरहू पढ़ाई बचावा कि छोड़ी देता निरहू पढ़ाई बचावा लेता दुईठे बकरी जी आइए बचावा। दिनेश लाल भैया कहले लेकिन हे देखा कि गायक लोग बहन के कोनो कोनो ऐसा तर्ज मारा थे बतिए गजब हो जाला तो का कहलेन अरे कहाँ छोड़ी देता कजरी गवाई ए भयवा छोड़ी देता कजरी गवाई ए भयवा लेता दुई ठे भैंसा जियाई ए भयवा लेता दुई गो भैंसा जियाई ए भयवा कहाँ घास भूसा खाई के ए बाबू मोटाई जाला भैंसा आ खुली जाई भट्टा पे कमाई लगवा पैसा। ओमे भैया कोयर बाल कितना ही खियावे बा और उनके फेंक दे पुअरा चमाई ए भयवा लेता दुई ढे भैंसा जियाई ए भयवा। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, अपील क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपको अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं आपको सहयोग करना चाहते हैं तो आपका गूगल पे या फोन पे नंबर अगर चलता हो तो उसको आप हम डाल देंगे चैनल के अंदर, लेकिन आपको जैसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करेंगे? ये भैया आप का हो बताइए, एक तो ऐसे नंबर दे दिया रात दिन परेशान हुआ ही और फिर नंबर दे दे तो फिर बैठ के रोई वही हाल बाट है। तो ठीक बाट तो जाना था ना, अरे 0845 चुतिया नंबर 120 कहल गई बा 98 39 37 0551 यही हमारे नंबर है बड़का भैया। चालू हाँ ये चालू हो गए ऐसे कोनो बात ना बा, मोबाइल ही बैठ जाता तब बंद हो जाते। अच्छा घर का स्थिति पालन पोषण करने के लिए कैसे चलता है? अभी तो अभी गीत के माध्यम से आप कमा लेते हैं। हाँ। अभी कैसे चल रहा है? पहले भैया ठीक है चलत बा, 5-10-20 साल भगवान जो हमें खेत दे बहन वह जोतत बोत बाही और 2 क्विंटल ले ले थे तब अब 4 मुर्गी कितना खाबे नन्ना लड़के हैं दूठ परानी हम
और माई तो हमारे 35 किलो पहुते हैं ललका कार्ड वाले पे। आपने बीच में एक इंटरव्यू पे कहा था कि हमारे पिताजी हमारा गाना सुनने जाते थे चोरी चोरी, क्यों? हाँ बात सही है, हम अपने पिताजी के देख लिए तो हमारा गाना वही बिसर जाई और उनके देख के हमें लाज ला गई, इन नाते हमने कुछ कही, वो आड़े से बैठ के हमारा गाना सुने, इतना उनके मतलब खुशी रही कि आज चलते अपने बेटवा का बिरहा हुई वाला बा फलाने से, हम कैसे ना गाना गाए है बड़का भैया, लेकिन का करबा खाली यही मौके पे वह मुद्दा बन गया बड़का भाई वो 5 किलो वाला। 5 किलो से स्टार बन गए आज निरहू हो गए हैं बस बड़का। जाते जाते आप लोग भी कुछ कहिए, यही खत्म किया जाए एपिसोड। देखा भाई आपकी वजह से आपका प्रदेश का नाम, जिला का नाम, देश नाम बहुत तेज होता। हम देखा आप कार्यक्रम होत रहा वो दिन, हाँ, हम रहे तो पीछे लोग आपके गाँव लोग बुजुर्ग लोग बैठा रहे, कहे की एक दूसरे से कहा रहे कहे रहुआ ऐसा गाना गाए थे कहो बड़ा बड़ा कलाकार ऐसी मिले आवत है, हमार सीना जो चौड़ा होत बतावा ये दिन देखे के मिलते बा खाली नहीं रहू भैया नाते। तो ये सुने अपने आत्मा से एक दूसरे बतलाओ तुमके बतावा कितनी खुशी की बात बटे कि पूरा दुनिया आवत बटे और सिर्फ आपको जगनाते आवत बटे, पूरा गाँव खुश बा, पूरा देश खुश बटे। तो अपन चैनल नंबर एक बार और बताए भैया फिर से। तो भैया कि गुरुजी हमारे चैनल का नाम वही है कि निरहू पलटूपुर वाला के नाम से चैनल है बड़का भैया, ओके खोलबा निरहू चैनल के नाम से बड़का भैया पलटूपुर वाले के नाम से, तो हमार जितना हम अपन गाना डालत है ओपे भैया गाना आप लोग के देखे के मिली सुने के मिली। अच्छा लास्ट में जाना चाहता है जैसे भाई साहब कहे ना कि अगर कोई दान दे चाहे आपके, हाँ, खाता में पैसा भेजे चाहे जवन जिक्र इच्छा हो, हाँ, तो वो नंबर जो आप बोले ना मोबाइल नंबर, हाँ, वो नंबर गूगल से अटैच वो में पैसा भेजने से आ जाए ओपे नहीं कौन ऐसा नंबर बनाए जो डायरेक्ट लोग पैसा सीधा भेजे खाता में आ जाए आपके। तो बोल रहे हैं ना अभी फोन गड़बड़ है, जब वो नंबर सही हो जाएगा तो सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। भविष्य में आप ऐसे करें कि नंबर बता दे ओपे लोग जिक्र पैसा दे चाहे। कोई खाता नंबर आपका यूनियन बैंक में किसी में खाता, हाँ, नंबर है आपके? खाता नंबर है, आप खाता नंबर दे दीजिएगा हम नीचे डाल देंगे, लोग जिसको देना है देंगे सब आप निकालते रहिए। अच्छा अच्छा, हाँ खाता नंबर है यूनियन बैंक का, खाता नंबर बोल दे। कहाँ का हुआ खाता नंबर? ये सुखलालगंज यूनियन बैंक सुखलालगंज। हाँ ठीक बटे, ओके हम लिख दिया, मैं दे नीचे वहाँ डालवा दे। ठीक बटे मैडम जी ओके लिख लें। बहुत अच्छा लगा मिलके, हमें गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा नहीं भैया से मिलके आपका गाना सुना जाए, और बहुत अच्छा लगा सुन के गाना।